जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार इन दिनों दिल्ली के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, इस वजह से पूरे देश में चर्चे में हैं। आज हम आपको बताते हैं कन्हैया कुमार के बचपन की कहानी। कुमार को कैसे जानते हैं? राजकीय कृत मसनदपुर विद्यालय में हम शिक्षक पद पर काम किए थे, उसी समय कुछ दिन वो इस विद्यालय में पढ़ा था। कन्हैया कुमार पढ़ने में कैसा था? अच्छा लड़का था पढ़ने में। छात्र पढ़ाई के दौरान राजनीति भी करता था या कोई सीमा? उस समय तो छोटा बच्चा था, राजनीति तो नहीं करता था, लेकिन अनुशासित बच्चा था और ईमानदार बच्चा था। आज कन्हैया कुमार अब सांसद बनेगा, एक शिक्षक को कितनी खुशी है जो उसका बच्चा सांसद पढ़ाएगा, जिसे शिक्षक ने पढ़ाया वो सांसद बनेगा? बहुत बहुत खुशी है, उस खुशी का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसके कुछ दिन पहले हमको सुनने में आया था कन्हैया नहीं खड़ा होगा, तो हम बहुत मायूस हो गए थे, लेकिन अभी 8 दिन बाद हम ये सुन रहे हैं कि कन्हैया सांसद बनने जा रहा है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। हम तो चाह रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कन्हैया मेरा सांसद बन जाए। आप कन्हैया कुमार को क्या कहेंगे, कौन सा ऐसा बात कहेंगे जो सांसद बनने के बाद उन पर ख्याल रखें? सांसद बनने के बाद ख्याल रखे, अरे सत्य से काम करे, अपना जो उसका कार्य होगा उसको अच्छे ढंग से करे, जिससे समाज में उसका नाम हो और फिर आगे भविष्य में अच्छा बने। कन्हैया कुमार को कैसे जानते हैं? कन्हैया कुमार मेरा विद्यार्थी था, हम उसको पढ़ाए हैं, 1 क्लास से ही पढ़ाए हैं। पढ़ने में कैसा था कन्हैया? बहुत इंटेलिजेंट था। राजनीति में उस समय तो बच्चा था, तो राजनीति उसको बुझने भी नहीं आता था। क्लास का मॉनिटर था, बच्चों का सहयोग करता था, जिसको नहीं आता था उसको अलग से वो कुछ बताता था, पढ़ाता था स्मारक में आके। अभी आपका विद्यार्थी सांसद बना, कितनी खुशी है शिक्षक को? कितनी खुशी हम बतावें, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, समझे न। एकीकृत मध्य विद्यालय मसनदपुर से इन्होंने पढ़ाई की, और आपको बता दें कि जिस समय से लोकसभा चुनाव में वो कदम रखे हैं, तब से इस विद्यालय की तस्वीर ही बदल गई है। इसमें पठन पाठन का जो काम है वह और स्वसमय शुरू होने लगा है, और विद्यालय की तस्वीर बदल गई है, जो अभी आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। तब से कई राजनीतिक लोगों का आना जाना भी यहाँ प्रारंभ हो गया है, ताकि यहाँ किस तरह की बच्चों के लिए व्यवस्था है, शिक्षक समय पर आते हैं कि नहीं आते हैं, वह सब कुछ यहाँ सुचारू रूप से तब से चलने लग गया है। क्या कुमार को जानते हैं? जी, हमारे साथ ही पढ़ता था। किस विद्यालय में पढ़ते थे? महात्मा मसलनपुर उच्च विद्यालय मसलनपुर में पढ़ता था। प्रथम से किस वर्ग तक पढ़ाता था? हमारे साथ जो है 5 क्लास तक पढ़ा था। 5 क्लास तक, हाँ। पढ़ने में कैसा था? उस बचपन से ही वो नटकिया, मतलब के पढ़ने में अच्छा था, और एक दूसरे का लगाव भी रखता था। राजनीति भी करता था? नहीं, उस समय राजनीति नहीं करता था, उस समय में तो छोटा था, उसमें प्रश्न नहीं उठता है जो राजनीति। क्लास का मॉनिटर भी बना था? हाँ, हमारे साथ पढ़ता था, और हमसे से मतलब पढ़ने में भी अच्छा था, और जो है से। आज आपका साथी अब सांसद बनने जा रहा है, कितनी खुशी है अब दोस्तों को? दोस्तों को तो सबसे ज़्यादा खुशी तो दोस्त यार की होगा, जो मेरे साथ जो पढ़ता था, जो आज सांसद के मुकाम पर जाने के इच्छुक है। बेगूसराय से लोकल 18 के लिए नीरज कुमार।